बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश भी होंगे और बफजल खुदा सेहतमंद भी होंगे। व्यूअर्स, मैं उम्मीद डॉक्टर मलिक बदर अली तैमूर, तैमूर होम्यो क्लिनिक से आपसे मुखातब हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है उसमें बात करेंगे। मैं आपको उसकी इलामत, उसकी टेस्ट, उसके जो इलाज है वो बताऊंगा और इसके एहतियाती तदाबीर में आपको बताऊंगा। व्यूअर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, ताकि हौसला अफजाई होते रहे और आइंदा के लिए भी आपको मैं इसी तरह की मालूमती वीडियो पेश करता रहूं। फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जब वो किसी बंदे में बढ़ जाती है या उसमें कैंसर भी हो सकता है, तो शुरू शुरू में मरीज को किसी किस्म की कोई अलामत उसमें जाहिर नहीं होती है। सिर्फ मुआयना करने पर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मसाने के मुंह पर रिकावट हो जाती है, यानी कि मसाने का मुंह तंग हो जाता है और पेशाब में रिकावट शुरू हो जाती है और उस फिर मरीज को बार बार पेशाब आता है और बहुत आस्ता आस्ता आता है। इस तरह मरीज अपने मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं कर सकता है, यानी कि जो यूरिन होता है उससे पूरा खारिज नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ मसाने में रह जाता है। तो वीर, अगर कैंसर हो जाए, मसाने के प्रोस्टेट ग्लैंड का आप इलाज नहीं कराते हैं, तो फिर वो कैंसर की तरफ ही जा सकता है। अगर कैंसर हो जाए तो पेशाब की नालियों में भी फैल जाए तो ये नालियां बंद हो जाती हैं और गुर्दों में पेशाब भर जाने से गुर्दे फैल जाते हैं और इनका साइज बड़ा हो जाता है। इस तरह गुर्दे जो किडनी फेलियर की तरफ जो है ना, वो सिलसिला चला जाता है। मरीज को पेशाब में खून आने लगता है और मसाने में पेशाब जमा रहने से मरीज की को मसाने की इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिससे पेशाब में जलन भी होती है, दर्द भी होता है, मसाने में भी दर्द होता है, पेशाब करते हुए भी दर्द होता है। अगर ये कैंसर हड्डियों तक फैल जाए तो मरीज की जो हड्डियां हैं वो सख्त दर्द करने लगती हैं। तो इसमें वीर टेस्ट हम क्या कराएंगे? अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो बढ़ गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी एक साइज होता है, तो उस साइज से अगर वो बढ़ जाता है तो उसको फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट कहते हैं। फिर इसमें कैट स्कैन ऑफ पेल्विस होता है, पेल्विस का कैट स्कैन करवाने पर प्रोस्टेट ग्लैंड के जो इर्द गिर्द के लम्फ्स नोड्स होते हैं वो बड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर इसका जो कैंसर होता है वो हड्डियों तक फैल जाए तो जो एक्सरे जब करवाए जाते हैं तो इर्द गिर्द की जो हड्डियां हैं वो सफेद नजर आती हैं। फिर होता है एक PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है वो टेस्ट होता है। ये टेस्ट खून को टेस्ट करवाया जाता है और अब इसका नॉर्मल लेवल जो है वो 0 से 4 तक है। अगर 4 से लेकर 10 तक प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का वो अगर जाहिर हो तो होता है, लेकिन अगर ये 10 से ज्यादा बढ़ जाए तो कैंसर की निशानदेही करता है। अगर 4 से 10 तक बढ़े तो प्रोस्टेट इलाज होती है, लेकिन अगर 10 से बढ़ जाए, 0 से 4 तक तो नॉर्मल होता है, और अगर 4 से 10 तक जाए तो प्रोस्टेट इलाज होती है, और अगर 10 से भी बढ़ जाता है तो फिर ये कैंसर को जाहिर करता है। तो फिर इसमें मैं बात करूंगा कैंसर जो इसका इलाज है। इलाज अगर प्रोस्टेट ग्लैंड
अधिराज से ठीक नहीं होता है, तो फिर जो समझदार होम्योपैथ भी होते हैं या दूसरे डॉक्टर आम MBBS डॉक्टर होते हैं, वो मरीज को इसका सर्जरी करवाने का मशवरा देते हैं। मरीज को टाइम जो है ना वो जाया नहीं किया जाता है। पहली तो बात है, अगर आप एक हद होती है किसी भी चीज की, उस तक अगर आप शुरू के कैंसर में जो इनिशियल स्टेज होता है या उसके एक दो दर्जे होते हैं, चौथे दर्जे पर जाके कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, लेकिन दरमियान में ये मर्ज ठीक होने वाली होती है। होम्योपैथी इस पे कंट्रोल कर लेती है और बहुत ज्यादा अच्छी अद्वियात इसमें मौजूद है। सबसे पहले ब्राइटा कार्ब होती है जो 6 से 30 तक दी जाती है, और ये जो दवाई है ये बढ़ापे की अक्सर बीमारियों में भी काम आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेशाब की बार बार हाजत होती है। फिर चेमाफिला है, फेरम पिक्रम है, नेटोफास है, सबल सरलोटा है, कोनियम है, अर्निका है, बहुत सी ऐसी अद्वियात है जो होम्योपैथी में इस मर्ज को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन की कभी भी मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। लोग कहते हैं कि होम्यो अगर फायदा ना दे तो नुकसान नहीं देती। होम्यो फायदा भी देती है और नुकसान भी, जैसे बड़ा फायदा देती है वैसे बड़ा नुकसान भी कर सकती है अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो नुसोर से भी बनी होती हैं, कुछ बीमारियां जो होती जो अद्वियात होती हैं वो बीमारी से लिए गए जरासीम से बनाई जाती हैं। तो इसलिए गुजारिश मैं करता हूं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें किसी भी बीमारी में। अपने करीबी होम्योलॉज या जिसे आप बेहतर समझते हैं उसके पास जाएं, अपनी बीमारी या टेस्ट जो करवाए हैं उसके बारे में बताएं और अपना इलाज शुरू करवाएं। तो वीर मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी कर दिया करें, ताकि हौसला अफजाई होती है बंदे की। तो जो मरीज होता है प्रोस्टेट का या गुर्दों का, अगर पथरी ना भी हो तो इसे सलाद खाना चाहिए खाने के साथ, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। लेकिन सलाद में टमाटर कभी भी शामिल ना करें। जो गुर्दों में या प्रोस्टेट के जो मरीज होते हैं वो सलाद में टमाटर ना शामिल करें। प्रोस्टेट जो टमाटर खाने से प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है उसका खतरा कम हो जाता है, लेकिन अगर पथरी हो तो फिर आप टमाटर ना खाएं। गुर्दों का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें आप टमाटर खा सकते हैं, उसमें अगर पथरी पहले निशानदेही हो कि पथरी नहीं है। तो मैं जो इस मर्ज में मुबतला लोग होते हैं उनको ये भी मैं मशवरा दूंगा कि जो एल्यूमिनियम के बर्तन है उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारियों में इन बर्तनों का जहर का जो बहुत बड़ा हाथ होता है। एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं इसका भी काफी सारा हाथ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने। ऐसे बर्तनों से मैं खाना खाने से या इसको खाने पकाने के इस्तेमाल से इजतनाब करना चाहिए। तो वीर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफी सारी जो मालूमाती चीजें हैं आपको पता लगी होगी और आप इनसे फायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बीमारी और उसकी अलामत, इलाज और प्रेज के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।